सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में नाबालिग छात्रे के निर्वाण हत्या को लेकर पूरे डुवर्स में आक्रोश बढ़ते जा रहे हैं। आज कालचीनी में मुस्लिम समाज के द्वारा आरोपी मोहम्मद अब्बास को फांसी दिए जाने की मांग करते हुए विरोध रैली निकाला गया था। कालचीनी इलाके के मुस्लिम समाज की ओर से आज अपराधी को मृत्युदंड देने की मांग को लेकर और मृत छात्र के आत्मा की शांति के लिए जुलूस निकाला गया था। यह जुलूस कालचीनी पोस्ट ऑफिस से आरंभ हुआ था, जो कालचीनी कारगिल चौक होते हुए कालचीनी बस स्टैंड में पहुंच बच्ची के आत्मा की शांति हेतु दुआ पढ़ाया गया। इस रैली में मुस्लिम समाज के लोगों, खास मुस्लिम युवतियों के द्वारा हिस्सा लिया गया था। इस जगह सभी के द्वारा अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग किया गया। इस रैली में शामिल हैदर अली अंसारी, जब्बर अंसारी, गुलाम अंसारी, अहमद अंसारी, आमिर अंसारी आदि ने कहा कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, यह हम मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि आज बच्ची के आत्मा की शांति और आरोपी को तत्काल फांसी की सजा के मांग के साथ यह रैली आयोजित किया गया है। कालचीनी इलाका के जितने मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी से लेकर जितने भी हम लोग सभी को है, मदरसे के छोटे छोटे बच्चिया जो सिलीगुड़ी में जघन्य अपराध घटाया है मोहम्मद अब्बास ने, उसके प्रतिवाद में, उसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर रैली हम लोग निकाले हैं। इस रैली के माध्यम से हम प्रशासन से हो और हमारे न्यायालय से ये गुहार लगा रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि अब्बास को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि पूरे देश में, समाज में एक मैसेज जाए कि कोई भी दोबारा इस तरह का कुकृत्य करने के लिए सोच भी ना सके। इस तरह की कड़ी सजा है, फांसी से बढ़कर भी अगर कोई सजा हो तो वो सजा मिलनी चाहिए। या हमारे पूरे इलाके के, कालचीनी इलाके के जो 11 मुस्लिम कम्युनिटी है, उसकी ओर से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं और हम लोग दिया प्रधान के घर वालों से के साथ हमारी संवेदना है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि दिया प्रधान को वापस तो नहीं आएगी, लेकिन भी उनकी दिल की तसल्ली के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ, हमारे इमाम साहब ने यहाँ पर दुआ पढ़ी, ताकि अल्लाह ताला से ये फरियाद फरमाए कि दिया प्रधान के घर वालों को हौसला अफजाई मिले और साथ ही साथ दिया प्रधान भी जहाँ कहीं भी है वो खुशहाल रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले। और आज हम लोग रैली के माध्यम से ये डिमांड करते हैं कि उसको फांसी दिया जाए और उससे भी कड़ी से कड़ी सजा उसको दिया जाए, ताकि दोबारा इस तरह का घटना हमारे देश में ना हो, हमारे समाज में ना हो। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर कालचीनी इलाके में रैली कर रहे हैं, प्रतिवाद में, उसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर रैली हम लोग निकाले हैं। इस रैली के माध्यम से हम प्रशासन से हो और हमारे न्यायालय से ये गुहार लगा रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि अब्बास को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि पूरे देश में, समाज में एक मैसेज जाए कि कोई भी दोबारा इस तरह का कुकृत्य करने के लिए सोच भी ना सके। इस तरह की कड़ी सजा है, फांसी से बढ़कर भी अगर कोई सजा हो तो वो सजा मिलनी चाहिए। या हमारे पूरे इलाके के, कालचीनी इलाके के जो 11 मुस्लिम कम्युनिटी है, उसकी ओर से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं और हम लोग दिया प्रधान के घर वालों से के साथ हमारी संवेदना है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि दिया प्रधान को वापस तो नहीं आएगी, लेकिन भी उनकी दिल की तसल्ली के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ, हमारे इमाम साहब ने यहाँ पर दुआ पढ़ी, ताकि अल्लाह ताला से ये फरियाद फरमाए कि दिया प्रधान के घर वालों को हौसला अफजाई मिले और साथ ही साथ दिया प्रधान भी जहाँ कहीं भी है वो खुशहाल रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले। और आज हम लोग रैली के माध्यम से ये डिमांड करते हैं कि उसको फांसी दिया जाए और उससे भी कड़ी से कड़ी सजा उसको दिया जाए, ताकि दोबारा इस तरह का घटना हमारे देश में ना हो, हमारे समाज में ना हो। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर कालचीनी इलाके में रैली कर रहे हैं।